प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार को जिला नगरीय विकास अभिकरण एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के रुपए 122 करोड़ की लागत से कुल 175 विकास कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसमें 174 कार्यों का शिलान्यास तथा एक कार्य का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम का महानगर के 55 स्थानों पर ऑनलाइन प्रसारण किया गया और स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिलापट्ट का अनावरण किया गया, जिसके तहत विजय चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पार्षद मनु जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं लालडिग्गी स्थित शनिदेव मंदिर पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह द्वारा शिलान्यास का अनावरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुर्गेश बजाज, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह तथा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हसन भाई, निश्चित तौर पे गोरखपुर के विकास में जो आज पूज्य महाराज जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है, ये विकास की एक नई दिशा को राह देगा। जो सड़कें काफ़ी जर्जर हो चुकी थी या जो गली काफ़ी जर्जर क्षतिग्रस्त हो चुके थे, वो रोडों का आज परम पूज्य महाराज जी शिलान्यास कर रहे हैं। 101 करोड़ रुपए की लागत से शहर के सैकड़ों से ज़्यादा सड़कें का आज जो शुभारंभ पूज्य महाराज जी के द्वारा किया गया, ये वास्तव में बहुत सराहनीय पहल है और इसको तीव्र गति से एक विकास के राह में एक नई रचना का उपहार है ये। जी, अब हम सबसे पहले तो गोरखपुर वासियों की तरफ से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर को ढेर सारी बधाई देंगे कि उतनी बड़ी सौगात गोरखपुर के लोगों के लिए दिया है। और उसके बाद आप देखें, चाहे फर्टिलाइजर, चाहे एम्स, चाहे उन्हीं के संघर्षों का नतीजा है, चाहे आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में देखें, इससे पहले इंसेफेलाइटिस से हजारों हजार बच्चे काल के गाल में समाते थे, अब की साल मात्र 6 बच्चे ही काल के गाल में समाए। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है कि उन्होंने संघर्ष किया और उस पर ध्यान दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चाहे किसानों के क्षेत्र में देखें आप, पता चला क्या कि कोरोना है, कोरोना काल में भी हम गरीबों के लिए मोदी जी योगी जी ने किया कि नवम्बर तक मुफ्त राशन देने का कार्य किया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे भाई विदेशों में नौकरी करते थे, अन्य प्रदेशों में नौकरी करते थे, उनको अपने घर सुरक्षित पहुंचाने का कार्य योगी जी ने किया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोग एक घबराए हुए थे कि इतने लोग अन्य प्रांतों से आ जा रहे हैं कि यहाँ पर अपराध बढ़ेगा या भुखमरी की स्थिति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखें हर तरफ, हर गांव में अब धीरे धीरे कोरोना पर कामयाबी मिल रही है तो लोग नौकरी पर वापस भी जा रहे हैं, लेकिन 5-6 महीने तो कम से कम प्रदेश सरकार से उनको इतनी सुविधा मिली कि योगी जी को हर घर से उनके प्रति आशीर्वाद निकलता। यही सब गोरखपुर में आप देखें, रामगढ़ताल में भी इतना सुंदर हुआ है, आप देखें चिड़ियाघर गोरखपुर में कंप्लीट होने की स्थिति में है,
आप राम घाट देख लीजिए, पराग डेयरी हमारे वहाँ टाउन कोर्ट से बन के रेडी हो गई, वो चालू हो गई, नौसल बस स्टेशन देख लीजिए, हावड़ बंदा देख लीजिए, मलौनी बंदा देख लीजिए। इस तरह से हम लोग रहा कि 700-800 करोड़ का काम हम अकेले हमारे ग्रामीण विधानसभा में हो रहा है और सब गुणवत्ता परक हो रहा है। तो हम महाराज जी को अपनी ग्रामीण जनता की तरफ से, महानगर की सभी सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी दीर्घायु हो, सतायु हो, हम सभी का उनके लिए शुभकामना देते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हम सबकी आस्था के केंद्र गोरखपुर में आज 165 सड़कों और नालियों के परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन पूज्य महाराज जी ने 100 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पूरे गोरखपुर की जनता जनार्दन को उन्होंने एक बड़ा सौगात दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरे गोरखपुर महानगर की जनता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आभार प्रकट करती है, उनका स्वागत करती है। और जिस प्रकार से उन्होंने विकास का एक मानक खड़ा किया पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार से उन्होंने आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम किया है, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने जो आस्था के हमारे केंद्र थे उनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर की जनता की तरफ से हम लोग बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करते हैं।